आप तक देखिए ये बड़ी खबर, फरीदाबाद में फिर फूटा कोरोना बम। फरीदाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं। फरीदाबाद में एक बार फिर से कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है। 100 नए मरीज फरीदाबाद में कोरोना के मिले हैं। कोरोना के 100 नए मरीज फरीदाबाद में, एक बार फिर से कोरोना बम यहां पर फूटा है। 24 घंटे में कोरोना से 3 लोगों की मौत की खबर है फरीदाबाद में। 24 घंटे में 3 लोगों की मौत कोरोना से। फरीदाबाद में फिर फूटा कोरोना बम, इस वक्त की बड़ी खबर। फरीदाबाद में कोरोना के 100 नए मरीज मिले हैं। कोरोना मरीजों की संख्या 1210 हुई। 24 घंटे में कोरोना से 3 लोगों की मौत की भी खबर है, जो बड़ी खबर पहुंचा रहे। फरीदाबाद में फिर फूटा कोरोना बम। राजा पटेल हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राजा, फरीदाबाद से कोरोना अपडेट बताएं। राजा पटेल, आवाज मिल रही है आपको? जी, फरीदाबाद से कोरोना अपडेट। जी बिल्कुल, देखिए नमिका, आज 100 कोरोना मरीजों की जो संख्या है वो कहीं ना कहीं 100 करीब मरीज फरीदाबाद में मिले हैं। वहीं 3 मरीजों की मौत भी हो गई। वास्तव में जिस तरीके से जो आंकड़ा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है फरीदाबाद में, स्वास्थ्य विभाग में भी कहीं ना कहीं लगातार हड़कंप मचा। मैं आपको बता दूं, कुछ देर पहले स्वास्थ्य विभाग की तमाम जो टीमें हैं फरीदाबाद में जो काम कर रही है कोरोना के ऊपर लेकर, उनकी मीटिंग है, क्योंकि जिस तरीके से जो मामले सामने निकल कर आ रहे हैं वे काफी चिंताजनक है। जी, 3 लोगों की मौत 24 घंटे में हुई है, और इस आंकड़े को भी थोड़ा समझाइए, कहां कहां पर कैसी व्यवस्था है ये अनलॉक फेज 1 के बाद। हालांकि फरीदाबाद में बहुत सारी चीजें नहीं खोली गई हैं और बहुत ही सख्ती के साथ, कड़ाई के साथ लॉकडाउन के मानकों का पालन हो रहा है, बावजूद इसके ज्यादा केसेस का सामने आना राजा, और मौत का आंकड़ा भी उसी तरह से बढ़ रहा है फरीदाबाद में, ये लोगों को डराने वाला है। बाकी मैं आपको बता दूं कि जो लोगों की मौत हुई है, जो कंटेनमेंट जोन है उस एरिया के ये लोग बताए जा रहे हैं, जो बल्लमगढ़ के ओल्ड फरीदाबाद जवाहर कॉलोनी कहीं ना कहीं एसी नगर, ये तमाम जगह के जो लोग हैं जो कि बताए जा रहे हैं। पर जिस तरीके से कंटेनमेंट जोन में जिस तरीके से मामले सामने आ रहे हैं, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं जो मामले अलग जो एरिया है कॉलोनी की बात करें, सेक्टर्स की बात करें, वहां से ही मामले जो निकलकर सामने आ रहे हैं, ये एक चिंता का विषय है। जी अनामिका, चलिए बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, बहुत धन्यवाद आपका।